Good evening, everyone. You know, it was fantastic के उसका जो बोलते हैं दो बार जैसे हमने देखा अभी और सिनेमा हॉल में इतने बड़े स्क्रीन पे इसको देखना और अपनी आवाज को सुनना it was really fantastic. आपका जो कॉन्सेप्ट था वीडियो का और कॉम्पोजिशन जो है that was really amazing. मुझे मैं पहले भी सिद्धार्थ भाई को बता रहा था कि मुझे 25 साल हो गए हैं. मेरा सबसे पहला गाना 98 में रिलीज हुआ था, डूबा डूबा जो गाना आया था अंडर वाटर. और दिस इज माय 25th ईयर इन द म्यूजिक बिजनेस. पर इस तरीके का जो गाना है वो मुझे पहली बार गाने को मिला. इतना जिसमें पैशन है, मेलोडी है और देशभक्ति का गाना है और ये आज़ादी का अमृतकाल भी चल रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, तो इट वॉज एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. एवरीथिंग जस्ट फेल इन टू प्लेस. Thank you very much, Siddharth bhai. Thank you, Mohit ji. Just one line, Azadi, because I'm sure the audience would love to listen. Just one line, if you can. Azadi, Azadi, badi mehengi hai ye Azadi. Sabhi log sun. Azadi, Azadi, badi mehengi. जी वर कमिटेड कि एक मुझे देश के लिए कुछ करना है. अंशुल कुछ सोचते हैं, ये आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है और मुझे कुछ कंट्री के लिए करना है, खुद के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए बहुत कुछ किया है, कंट्री के लिए कुछ करना है. सो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी केम अप विद दिस स्टोरी कि अगर आज़ादी के लिए करना है तो व्हाट इज़ इट दैट हिट्स अस द मोस्ट. क्या हम आज़ादी का सही मतलब समझते हैं या नहीं समझते हैं. सो दैट इज़ हाउ द सीड ऑफ द स्टोरी केम अप. और जब हमने ये बनाया तो उसके बाद में जब मैंने कहानी सुनाई सिद्धार्थ जी को तो ही रियली लव्ड इट. ही सेड दिस इज़ व्हाट आई वॉन्ट टू मेक, यही बनाएंगे हम. और फिर शकील भाई आए और उन्होंने उस कहानी को सुनकर उसके ऊपर इतने ब्यूटिफुल लिरिक्स गढ़ दिए और जो सिद्धार्थ जी ने कंपोजिशन किया उसके ऊपर, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अभी हम सब ने सुना. एंड फाइनली मोहित सर, उन्होंने चार चांद लगा दिए गाने को. एंड आफ्टर द सॉन्ग वाज रेडी इट वाज लॉट मोर इजियर उस कहानी को स्क्रीन प्ले में गढ़ना और उसको प्रेजेंट करना. इट वाज जस्ट ग्रेट. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दीज पीपल, क्योंकि इन्हीं के कारण ये पॉसिबल हुआ है. सभी कास्ट एंड ट्रू मेंबर्स यहाँ पर है. सब कुछ सब लोग आज़ादी के बारे में बात करेंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू, आज एक वाक्य हुआ मेरी लाइफ में जिसके कारण ना मैं आज का दिन कभी जिंदगी में भूलूंगा और ना आज़ादी को. वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब उसका हिस्सा हैं. सुबह जब मैं उठा नागपुर से आने के बाद में तो मम्मी मेरी आज़ादी वीडियो देख रही थी, अपने मोबाइल पर फिल्म देख रही थी. और थोड़ी देर बाद वो मेरे रूम में आई और उन्होंने बोला कि 4-5 बार फिल्म देख चुकी हूँ और लेकिन हर बार मन भर आता है. इतने मार्मिक दृश्यों को देखकर, ये गीत सुनकर मन भर आता है. और हर माँ अपने बच्चे के काम पर हमेशा गर्व करती है. मेरी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, जो भी मैंने काम किए, मेरी किताब पब्लिश हुई, मैंने टेलीविज़न के बड़े बड़े शोज़ लिखे, इनका सुपर हिट वीडियो दुआ करो डायरेक्ट किया, हमेशा उन्होंने बहुत प्राउडली सपोर्ट किया. आज उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा से यकीन था तू एक ना एक दिन ज़रूर कुछ करेगा. तो दिस इज ये मोमेंट जब मेरी मम्मी को मेरे ऊपर गर्व हुआ और उनको लगा कि नाउ ही हैज अराइव्ड. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू हियर. इसलिए आपके साथ में मैंने बात शेयर करी, साझा करी, आप सबके कारण ये पॉसिबल हुआ है. सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी दिस डे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. होता है और ये गाना भी उस लाइन से पैदा हुआ था कि बड़ी महंगी है ये आजादी. आप इस बात को इस तरह समझें कि जब हमारे पास माँ होती है, जब हम माँ के साथ होते हैं तो खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है,
मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। तो ये जो आज़ादी है, हम 1947 के बाद हम सब पैदा हुए, हमें आज़ादी विरासत में मिली है, हमने वो लड़ाई नहीं लड़ी। When I had the privilege of releasing his first album in my company, BMG Crescendo, and coincidentally, I also have the privilege of having released Mohit Chauhan's first album, Boonde, which had Duba Duba in it. And I was going to come to that. Kumar Ji's first lyrics were written for our album, which was sung by Sukhbir, who is also a very popular singer. But of course, I work with everyone. And now, professionally, I've just got involved with SK Music. We've always worked together as friends. But I'm really honored and privileged to be a part of the SK Music family as well. And thank you all. You've all done a fantastic job. And I don't have anything to say because I think everything has already been said. Thank you. Thank you so much, sir. तो मैंने कहा कुछ है बात, तो मैंने टीवी में लाके पूरा देखा दो बार, उस पर रोंगटे खड़े कर दिए लास्ट में। बहुत अच्छा शूट किया वीडियो, जबरदस्त लिखा ही, बजा गाया भी और म्यूजिक भी। तो अपने हुकलन के स्टाइल में बोल देता हूँ, बेबी को बेस पसंद है पर हमें अपना देश पसंद है। थैंक यू वेरी मच। सुपर। तो इसी के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ, लाइक टू इनवाइट द फोर। और अगर कोई एक्टर्स है यहाँ पे जो अभी वी कांट सी, प्लीज ज्वाइन अस। जो ऑल द टेक्नीशियंस जो भी आजादी के हैं, प्लीज ज्वाइन अस हियर। ऑडियो टीम से कोई है? संदीप, एक और बात खास है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग करके गाना बनाया जाता है, ये पूरा कम्प्लीटली लाइव रिकॉर्डेड, अकोस्टिकली रिकॉर्डेड सॉन्ग। क्या बात है, सुपर। उसमें एक भी चीज कोई सैंपल से नहीं, कोई कीबोर्ड के कास्टिंग राज हुए और राज डिड द कास्टिंग। उसके बोल सुने, मेरा दिल जोश से भर गया।
हिस्ट्री में हमने सबने पढ़ा है हमारी आज़ादी की स्ट्रगल के बारे में और कितने 100 साल की हमारी स्ट्रगल है, लेकिन उसको पर्दे पर उतार के एक गीत के साथ और उसमें ऐसा जज्बा बनना कि जो लोग उसको देखें, वो गाने को सुने और विजुअल को देखें, वो कुछ महसूस करें कुछ उस आज़ादी के स्ट्रगल के बारे में और उसको रियलाइज़ करें कि आज के डेट में हमारे देश में देशभक्त बहुत लोग हैं, लेकिन उस जज्बे को थोड़ा जगाना जगाने को जरूरी है, क्योंकि जगाने के लिए ही देश हमारा अच्छा देश बनेगा, हर चीज़ हमारे देश में सही हो, सही दिशा में जाए और देशभक्ति के साथ हो। उस जज्बे को उठाने के लिए ये गाना जो है एक महत्वपूर्ण साधन बनेगा और मेरी उम्मीद है कि जो लोग सुनेंगे इसको, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे बच्चे हों, अगली जनरेशन हो, जो भी इसको सुने वो हमारा देश कैसे हमने आज़ादी पाई है उस जोश को, उस जज्बे को समझेगा और उस मुश्किलें जो लोगों ने जिनके थ्रू लोग गए, बलिदान जिन्होंने दिए अपनी जाने के लिए, उसको दिल में महसूस करके आगे बढ़ेंगे और देश को बेहतर बनाएंगे। ये सर आपसे जाना चाहेंगे, सर को ही क्यों चुना आपने, आपने मोहित जी को ही क्यों चुना इसके लिए? पाँच बजे वो इसके लिए चुना क्योंकि ये गाना आज की जनरेशन के लिए हमारे और मुझे लगता है कि मोहित जी है वो आज की जनरेशन में आज के भारत की युवा पीढ़ी की आवाज़ होनी चाहिए और जिसके साथ में हर बच्चा आइडेंटिफाई कर की जरूरत है कि हमारी कंट्री और हमारी फ्रीडम के क्या कॉस्ट है, हम उसे
सिर्फ ये ना कहें कि यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, उस बदलाव का एक हिस्सा बने तभी यहाँ सब कुछ बदल जाएगा, और बदलते आ रहा है और आगे भी बदलता रहे। कितने लोगों ने काम किया इसमें? बहुत सारे लोगों ने काम किया, मेरे पास नंबर नहीं है, बहुत सारे लोगों ने काम किया इस फिल्म में, बहुत सारे हमारे एक्टर्स आप यहाँ मौजूद हैं, आप सब देख सकते हैं, और इसके अलावा बहुत बड़ी टेक्निकल टीम ने काम किया इसके ऊपर, बहुत सारा विजुअल इफेक्ट्स हुआ इसको, वहाँ बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ी साउंड की टीम थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया। थैंक्स टू एवरीबडी जो साथ में आया, उस शॉर्ट फिल्म में तो बिग हार्ट को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया। अंकुल, नई जनरेशन है जो देश बनती है कम और वेस्टर्न फिल्म सुनना ज़्यादा पसंद करती है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि नई जनरेशन जो है वो थॉटफुल नहीं है या फिर पैशनेटली अपनी कंट्री के बारे में फील नहीं करती, ये एक मिसकंसेप्शन है। नई जनरेशन भी अपनी कंट्री के बारे में उतना ही पैशनेटली फील करती है। कभी कभी ये हो सकता है कि आजकल व्हाट्सएप की दुनिया में, ट्विटर की दुनिया में, जो एक्स हो गया उसकी दुनिया में, ये कभी कभी लोगों को गुमराह करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि हमारे देश के लिए नहीं सोचते। उनकी इंटेंशन, उनकी हार्ट इज़ एट राइट प्लेस, फिल्म लाइक आज़ादी के अंदर उसके बीच राइट डायरेक्शन। आपने फुटेज है इसके अंदर, आर्काइव भी यूज किया है, फ्रेश यूज किया है, सब चीज़ें नई यूज की हैं आपने, कितना मुश्किल था ये सब चीज़ें अरेंज करना? ये हमने शॉर्ट फिल्म बनाते वक्त हमें पता था इसका स्केल बहुत बड़ा होने वाला है, और अगर हम जैसे रियल वर्ल्ड में शूट करते हैं तो शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसका बजट इतना मैसिव प्रोडक्शन हो जाता है, तो हमने इसमें एकदम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, हमने वर्चुअल प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें शूट करी,